मार्वल के पास सबसे ज्यादा पावरफुल सेलेस्टियल्स और नंबर वन वाला तो लिटरली लिविंग ट्राइब्यूनल से भी ज्यादा ताकतवर है और मेरी बातों में बिलीव नहीं है तो इस शॉर्ट को एंड तक जरूर देखना। नंबर फाइव पे आता है एरिसम द जज जो कि पूरे यूनिवर्स का सबसे सुपीरियर सेलेस्टियल है। एरिसम द जज वही काम करता है जो लिविंग ट्राइब्यूनल करता है पर एक यूनिवर्सल लेवल पे। एरिसम ही डिसाइड करता है कि कौन सा प्लेनेट या कौन सी गैलेक्सी जिंदा रहेगी या उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और अगर उसे कोई प्लेनेट या गैलेक्सी तबाह करनी होती है तो नंबर फोर वाले सेलेस्टियल को भेजता है। मैं बात कर रहा हूँ एक्सेटर द एग्जीक्यूशनर के बारे में जिसके नाम से तुम्हें पता लग गया होगा कि कितना ज्यादा पावरफुल सेलेस्टियल है। पावर लेवल की बात करें तो एरिसम जैसे सेलेस्टियल से 1000 टाइम ज्यादा पावरफुल है। नंबर थर्ड पे आता है वन अबोव ऑल। वन अबोव ऑल एक बहुत ही पावरफुल सेलेस्टियल है। अब जो लोग इसे द वन अबोव ऑल से कंफ्यूज कर रहे हैं तो मैं बता दूं ये दोनों अलग है। वन अबोव ऑल लीडर है सारे के सारे सेलेस्टियल्स का। बस दो ऐसे सेलेस्टियल है जो वन अबोव ऑल को हरा सकते हैं जिसमें से नंबर टू पे आता है स्कैंथन द अप्रूवर जो की बहुत ही पावरफुल सेलेस्टियल है। ये मार्वल के एडिटर को रिप्रेजेंट करता है जिसने प्रोटेजी नाम के बींग को हराया है सिर्फ डू नॉट अप्रूव बोल के, जिसने लिविंग ट्राइब्यूनल की पावर कॉपी करके उसे ही हरा दिया था। नंबर वन पे आता है तियामुत द ड्रीमिंग सेलेस्टियल जिसे मूवीज में पैदा होने से पहले मार